हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको आठवां लेक्चर घटना सार जो नई वाली मार्केट में आ चुकी है उसका पूरे तरीके से पोस्टमार्टम और घटना सार का आखिरी लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। और यहाँ पर 7 लेक्चर हो चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए लेक्चर को। 2 दिन का टारगेट था और यहाँ पर टारगेट ख़त्म होता है। थोड़ा सा चीज़ें बची हुई हैं, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो घटना चक्र में हमने कम्प्लीट किया था। उसके अलावा उसमें जो भी महत्वपूर्ण है घटना सार में तो कल परसों और 2-3 दिन में उसको क्विज के माध्यम से हम पूरे तरीके से उसको कंप्लीट कर देंगे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसको क्विज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और आपका भी इतना कर्तव्य अब बनता है कि क्विज होगा तो क्विज में पार्टिसिपेट करिए और क्विज में जो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आप जाकर घटना सार में टिक कर लीजिए, ठीक है। और घटना चक्र में भी जो चीज़ें पढ़ाए हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए, वहाँ कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, योजना परियोजना से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि 21 में कुछ योजनाएं और कुछ योजनाएं 22 में शुरू की गई हैं। अक्सर करके योजनाओं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर योजना ही नहीं है और किताबों के बारे में भी चर्चा होगी, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं। जैसा कि हमने घटनासार का पोस्टमार्टम किया था जब समीक्षा अधिकारी के पेपर के समय में, जो जो किताबें थीं वो पूछी गई थी, जो टिक हुई थी और उसके पहले भी पूछी गई थी, उसके बाद PCS में भी पूछी गई थी। तो चलिए देखते हैं, आज़ादी अंत्योदय तक इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा 28 अप्रैल 2022 को किया गया। यह एक 50 दिवसीय अभियान था, याद रखिएगा, आज़ादी अंत्योदय तक अभियान 28 अप्रैल को शुरू किया गया। 50 दिनों का अभियान है, इसमें 28 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों के सबसे निचले स्तर के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्त करने का मिशन है। 9 केंद्रीय मंत्रालयों के 75 जिलों में 50 दिवसीय अभियान, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों, ठीक है। ये जिले देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान से जुड़े हैं। अभियान का लक्ष्य 17 चुनी हुई योजनाओं को सीधे लाभार्थियों को संतृप्ति मोड में सहायता प्रदान करना है और इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान पर उनके नाम से अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। आज़ादी अंत्योदय तक 28 अप्रैल को शुरू हुआ, 50 दिवसीय अभियान था, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ, 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ और 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थान पर 17 चुनी हुई योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाया जाएगा और अमृत सरोवर नाम से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से अमृत सरोवर का भी वहां पर उनके नाम से अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा 28 अप्रैल की योजना है, आखिरी योजना है 28 अप्रैल की है, ठीक है। इसके बाद की योजना अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी कोई योजना शुरू भी नहीं हुई, ओके। अब सुजलाम 2.0 अभियान, सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलम मातरम वंदे मातरम। तो सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सुजलाम न जल की बात हो रही है, तो 23 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किए। 9 मंत्रालयों ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के में सीधे जुड़े लोगों के साथ साथ अभिसरण मॉडल के आधार पर, मतलब 9 मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं सुजलाम अभियान से। जल शक्ति मंत्री ने 23 मार्च को इसको शुरू किया, ओके। और इसका विषय था भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना है, भूजल जो अदृश्य है उसको दृश्यमान बनाना है, याद रखिएगा, तो पानी से संबंधित है, ओके, ठीक है। कब शुरू हुआ, 23 मार्च को सुजलाम 2.0। ये डेट हम जो बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए तो इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो ना बताते। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 2022 की हुई, 2022 को हुई, और आज़ादी अंत्योदय जो है ये वो 28 अप्रैल को हुआ, और ये जो है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो शुरू हुआ ये 16 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई, 16 अप्रैल को शुरुआत हुई। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है। PM स्वनिधि से समृद्धि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 16 अप्रैल 2022 को 14 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वनिधि से समृद्धि योजना PM स्वनिधि की अतिरिक्त पहल है। इसके तहत पहले चरण को वर्ष 2021 में देश के 125 शहरों में शुरू किया गया था। स्वनिधि से समृद्धि योजना
पीएम स्वनिधि की अतिरिक्त पहल है। इसके पहले चरण को वर्ष 2021 में देश के 126 शहरों में शुरू किया गया, 125 शहरों में शुरू किया गया था। फिर से 16 अप्रैल 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 14 राज्यों के शासित प्रदेशों, 14 राज्य याद रखिएगा, 14 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पहले स्वनिधि से समृद्धि योजना पीएम स्वनिधि की अतिरिक्त पहले इसके पहले चरण को 2021 में देश के 125 शहरों में शुरू किया गया था। ठीक है, पहले 125 शहरों में, अब 126 शहरों में, यहीं पर खेला होबे हो जाएगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्रीय योजना है। 1 जून 2020 को पहली बार शुरुआत हुई थी, पहली बार। ठीक है, 2021 में 125 शहरों में, 2022 में जो शुरू हुई है, कब शुरू हुई है, 2022 में 16 अप्रैल को शुरू हुई है 126 शहरों में, 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो रही है, थोड़ा पीछे जाइए, है ना। सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया, वयस्कों की शिक्षा के लिए और 2022-27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। लिटरेसी का मतलब कि साक्षरता की बात हो रही है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022-27 महत्वपूर्ण है। 2022-27 फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है 2022-27 के लिए। और शिक्षा शब्द को, जो पहले शिक्षा शब्द था, उसको अब सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया गया है। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसकी शुरुआत जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NCERT और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया 2022-27 के लिए। फरवरी 2022 में शुरू हुआ है लिटरेसी प्रोग्राम। और क्या मतलब है इसका, इस योजना के तहत सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। 15 वर्ष से नीचे नहीं, 15 वर्ष या उससे अधिक। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षरों की कुल संख्या 25 करोड़ थी। ओके, 25 करोड़ यानी 25.76 करोड़ थी, याद हुआ। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में 2022-27 के लिए सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया। पहले शिक्षा शब्द को NCERT और NIOS के सहयोग से OTLS ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से होगा उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 15 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को, गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी, उनको शिक्षा दी जाएगी। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार 15 साल से ऊपर के जो लोग निरक्षर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनकी संख्या भारत की जनसंख्या का 25 करोड़ है ना, 25 करोड़ लोग। स्त्री मनोरथ परियोजना जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और निमहंस बेंगलुरु के सहयोग से भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरथ परियोजना शुरू की गई। ये 2 मार्च को है, और अभी हमने देखा है पीछे वो कब थी, फरवरी में थी, है ना, लिटरेसी प्रोग्राम। स्त्री मनोरथ योजना शुरू की गई, इसका क्या काम है, इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में 6000 OAC कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना है। ओके, पीएमएफएमई योजना 5 जनवरी 2022 को, ये जनवरी में शुरू हुई, 5 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और औपचारीकरण योजना के अंतर्गत 1 जिला 1 उत्पाद के 6 ब्रांड शुरू किए गए, है ना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा नेफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण योजना के अंतर्गत 1 जिला 1 उत्पाद के 6 ब्रांड शुरू किए, और आगे 10 ब्रांड विकसित करने का लक्ष्य भी है। इसमें अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली वैक्स के होल स्वीट कुकीज नाम के 6 ब्रांड का शुभारंभ कर दिया गया। ओके, 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए का इसमें व्यय किया जाएगा। 20-21, 24-25 टोटल 5 वर्षों में, याद रखिएगा, 2021-25 तक याद है, याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आगे योजना है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान, नाम से ही दिख रहा है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान है, और शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया गया।
किया था। इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए है ना। भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब हम यहाँ से नहीं आएंगे, अब हम आएंगे यहाँ लास्ट योजना से, आखिरी योजना पुस्तकें बाद में। अब देखिए यहाँ पर है माई पैड माई राइट परियोजना। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, ये अगस्त में शुरू हुई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो योजना है उसको एक ट्रिक के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर है माई पैड माई राइट परियोजना। माई पैड माई राइट परियोजना जो है कि अब ट्रिक है कि मेरे रास्ते में उड़ोगे ना तो डिजिटल तरीके से पोषण देंगे। क्या मेरे रास्ते में, मेरे नोट कर लीजिए, मेरे रास्ते में साइलेंट उड़ोगे ना, मेरे रास्ते में उड़ोगे तो डिजिटल तरीके से पोषण मेरे रास्ते में उड़ोगे डिजिटल तरीके से पोषण और अमृत, पोषण अमृत की तरह मिलेगा। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। मेरे रास्ते में उड़ोगे तो डिजिटल तरीके से पोषण अमृत की तरह प्रधानमंत्री के द्वारा मिलेगा। तो मेरे रास्ते माई पैड माई राइट परियोजना 28 अगस्त को शुरू की गई थी त्रिपुरा में नाबार्ड और नैप फाउंडेशन के द्वारा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रायोजित एक पैड बनाने की मशीन के लिए देश भर में अच्छी तरह से काम कर रहे एचएससी को अपेक्षित, मतलब पैड वगैरह के लिए है। ठीक है, शुरू कहाँ की गई? नाबार्ड और नैप फाउंडेशन द्वारा त्रिपुरा में। तो मेरे रास्ते वाला हो गया अगस्त 2021 में। अब आगे परियोजना आई रास्ते शुरू की गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। आई रास्ते नितिन गडकरी तो सड़क वगैरह से रिलेटेड है। आई रास्ते मतलब इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट आधार पर शुरू किया गया, यानी मे से माई हो जाएगा माई पैड माई राइट। और रास्ते में परियोजना आई रास्ते इसकी शुरुआत 11 सितंबर को की गई। उसके बाद प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया गया, यानी मेरे रास्ते में उड़ोगे प्रोजेक्ट उड़ान 14 सितंबर को। अभी पीछे देखें परियोजना आई रास्ते 11 सितंबर को, ये 14 सितंबर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में हिंदी दिवस के अवसर पर एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया। एक भाषा अनुवादक जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है, गणेश रामकृष्ण उनकी टीम के द्वारा वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट उड़ान इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री तथा उच्च शिक्षा के सभी मुख्य विषयों का वांछित भाषा में अनुवाद करने के लिए एक AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर है। लक्ष्य जो है 500 इंजीनियरिंग ग्रंथों का हिंदी में करना है। ठीक है, तो मेरे रास्ते में उड़ोगे तो प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? अन्य भाषाओं की जो किताबें हैं इंजीनियरिंग वगैरह की, उसको हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में करने का लक्ष्य है। और एक साल में 500 इंजीनियरिंग ग्रंथों का हिंदी में और 3 वर्षों में 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है। तो मेरे रास्ते में उड़ोगे 14 सितंबर हो गया, उड़ोगे तो डिजिटल तरीके से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कुल मिला के ये है कि एक हेल्थ आईडी आपको दी जाएगी। हेल्थ आईडी में आपका सभी डेटा होगा। शुरुआत में डेटा आपको ऐड करने पड़ेंगे, बाद में आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो उस पर अपडेट करते रहेंगे डॉक्टर वगैरह लोग, और सही तरीके से डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तब, नहीं तो झोला छाप तो भैया कहाँ से अपडेट करेंगे, कंप्यूटर ही नहीं होगा, है ना। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर को शुरू किया गया और इसमें 14 अंक का स्वास्थ्य खाता नंबर होगा, हेल्थ कार्ड मिलेगा इसमें। ठीक है, 14। तो मेरे रास्ते में उड़ोगे तो डिजिटल तरीके से पोषण देंगे। पीएम पोषण योजना 29 सितंबर को शुरू की गई है। स्कूलों में बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में 1 से 8 कक्षा के अलावा बाल बाटिका या नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है। बच्चों को मात्र खाना उपलब्ध नहीं कराना बल्कि उन्हें पोषण तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए हरी सब्जियों व प्रोटीन को भी मेन्यू में शामिल किया जाएगा, है ना। मिड डे मील इसमें समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे रास्ते में उड़ोगे तो डिजिटल तरीके से पोषण मिलेगा अमृत की तरह। तो अटल मिशन अमृत 2.0 और यह भी जो है कि शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 को 2025 से 26 तक के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ओके, नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। तो मेरे रास्ते में उड़ोगे तो डिजिटल तरीके से पोषण अमृत की तरह मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर को शुरू हुई, गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ना ये योजना। इस योजना का संचालन वाणिज्य मंत्रालय के रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत 16 मंत्रालय और उनके विभागों को एक मंच पर लाया जाएगा, मतलब कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है। तो यहाँ पर हो गई ये योजना, मेरे रास्ते में उड़ोगे मेरे रास्ते में उड़ोगे। अब देखिए कब से शुरू हुई है, मेरे रास्ते माई राइट माई पैड माई राइट परियोजना, मेरे रास्ते में उड़ोगे यानी प्रोजेक्ट उड़ान, तो डिजिटल तरीके से पोषण मिलेगा, पीएम पोषण योजना, पोषण मिलेगा अमृत की तरह पीएम के द्वारा। तो पीएम गति शक्ति 13 अक्टूबर को देख रहे हैं, 13 अक्टूबर को पीएम गति शक्ति, 12 को अटल मिशन अमृत 2.0 पीएम, ये 29 सितंबर को, ये देखिए 27 सितंबर को, और ये देखिए 14 सितंबर को, ये देखिए 11 सितंबर को, ये देखिए 28 अगस्त को, है ना। इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछली बार नहीं पूछा गया, इस बार के लिए छोड़ा गया। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मजबूत करने के लिए, सही तरीके से बनाने के लिए है ना, 2025 से 26 तक प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है 25 से 26 तक, ये याद रखिएगा 25 से 26 तक, 2025 से 26 तक करना है अभी से शुरू करके पीएम आयुष्मान भारत। तो अब इसके बाद ये शुरू होती है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सेल्फी अभियान आपने देख लिया, फिर यहाँ पर आपने 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की योजना पीएमएफआई योजना, उसके बाद स्त्री मनोरक्ष योजना, और फिर आपने देखा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फरवरी 2022 में, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम 16 अप्रैल, और सुजलाम 2.0 23 मार्च को है, आज़ादी अंत्योदय तक। तो बताइएगा वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है और दोनों की थीम क्या है, कमेंट आपके आने चाहिए। 4-5 लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सुन के चल देते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ किताबें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, प्रयास करेंगे कि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय जी की, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, महालेखा परीक्षक हैं विनोद राय, विनोद वी से हैं और वा से वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, वा से विनोद वा से वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय वॉचमैन, नॉट जस्ट अ वॉचमैन नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, याद हो जानी चाहिए। ओके, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर, शांतनु शांत बैठे थे, एक मॉन्क आ गया, मॉन्क को क्या कहते हैं, एक भिक्षुक आ गया है ना, तो शांत बैठे थे एक भिक्षुक आए, तो यानी मॉन्क से रिलेटेड जो किताब है वो शांत आदमी यानी शांतनु गुप्ता जी ने लिखी है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भाई या एब्यूज या अब्यूज टू अ बैजन ऑफ ऑनर, ये पुस्तक लिखें। अब यहाँ पर रसीद किदवई की पुस्तक है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, रसीद ले रहे हैं लीडर लोग, पॉलिटिशियन लोग, सिटीजन लोग, किस लिए रसीद ले रहे हैं, रसीद किदवई जो हैं इन्होंने लिखा है लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन, लीडर लोग, पॉलिटिशियन लोग, सिटीजन लोग रसीद ले रहे हैं। अब अगला है द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा, पीपल्स लीडर कौन होगा जिसके अंदर विवेक होगा, पीपल्स लीडर कौन होगा जिसके अंदर विवेक होगा, है ना, विवेकानंद झा, ओके याद होना चाहिए। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह है, जिसको पता होगा आईपीएस प्रकाश सिंह जी के बारे में, इन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी है और पुलिस के रिफॉर्म से रिलेटेड इनकी, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए एक बार बोला था, मतलब पुलिस रिफॉर्म के लिए कमेटी बनी थी, आईपीएस प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से संबंधित हैं, याद रखिएगा यूपी के आजमगढ़ से संबंधित है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, तो पुलिस से रिलेटेड आईपीएस प्रकाश सिंह की पुस्तक है। आईपीएस प्रकाश सिंह ने कहा था कि पूरे तरीके से जो देश में भ्रष्टाचार वगैरह है, मतलब अत्याचार वगैरह जो होता है, कि पुलिस को हटा दिया जाए तो सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा इनकी रिपोर्ट का था कि पुलिस ही हटा दो सब कुछ सही हो जाएगा। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन द लाइफ, ये वुमेन है अरुंधति भट्टाचार्य जी, इन्होंने लिखा है तो इनको याद कर लीजिएगा। हाउ टू प्रिवेंट अ नेक्स्ट पैंडेमिक, पुरानी किताब है, बिल गेट्स जी ने लिखा, बिल गेट्स
फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, बहुत फेयरलेस थी, आईपीएस थी किरण बेदी, फेयरलेस गवर्नेंस लिखी हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड पिछली बार भी एक पुस्तक पढ़े थे हम लोग। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। अब देखिए नेशन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, गांधी परिवार भी है और मोदी जी भी हैं, तो प्रियम गांधी मोदी, तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, प्रिय हैं गांधी जी को मोदी जी, है ना, ठीक है। तो अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्राइड प्रिजुडिस एंड पुंडिट्री आ द एसेंशियल, प्राइड प्रिजुडिस एंड पुंडिट्री आ एसेंशियल, द एसेंशियल, शशि थरूर कांग्रेसी नेता, ये अक्सर लिखते रहते हैं, शशि थरूर बड़ा न्यूज में भी रहते हैं, द एसेंशियल, इनके प्राइड की बात हो गई, इनके प्रिजुडिस की बात हो गई एंड पुंडिट्री की बात हो गई, शशि थरूर। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, अमर्त सेन नोबेल प्राइज विनर, अमर सेन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, ये कमेंट करिएगा। और अमर सेन जी आज भी हैं भारत में। लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, क्रिकेट इंडिया की बात हो रही लेकिन लिखे कौन है, स्टीव वॉ, पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव वॉ, ओके। टेन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग, 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये याद रख लीजिएगा। उंगलिल ओरुवन आत्मकथा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की, उंगलिल ओरुवन एम के स्टालिन, इसमें भी ला लगा हुआ है, इसमें भी ला लगा हुआ, तो उंगलिल ओरुवन आत्मकथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की पुस्तक, इस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है, और गीतांजलि श्री जो है इनका पुरस्कार रेत समाधि है, इसको इंग्लिश में वो किया गया है, टॉम्ब ऑफ सेंट। इनका जो उपन्यास है इसको अंग्रेजी में किसने वो किया था, ये आप कमेंट करिएगा, हमने सौरभ ऑफिशियल पर डाला था, ठीक है, अभी कल इनको मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, वैसे ऑलरेडी शायद पेपर में रख दी गई हो ये किताब, गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सेंट, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं ये, ओके। ऑस्कर पुरस्कार इनको प्राप्त हो गया, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर नहीं सॉरी बुकर पुरस्कार, ठीक है, नाम आ गया, डेजी राकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, वीर सावरकर, वीर थे उदय हुआ और चिर आयु मतलब लंबी उम्र ना, तो उदय हुआ और चिर आयु तक वीर सावरकर को याद किया जाता है, द मैन हु हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, तो उदय महावरकर चिरायु पंडित। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, इकोनॉमिक की बात हो रही है तो भारत सरकार के, एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड, घर पर भी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, घर पर भी और बाहर भी, तो पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर जी का घर जो था बहुत दूर था, मतलब दूर का मतलब शंकर जी कहते हैं कि वहाँ पे हिमालय पे रहा करते थे ना, तो हिमालय पे भी रहते हैं और पूरे देश में भी हैं, यानी घर में भी हैं और बाहर भी हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड शंकर आचार्य, ठीक है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, त्रिपुरारदन सिंह और आदिल हुसैन, महत्वपूर्ण है याद रख लीजिएगा, त्रिपुरारदन सिंह और आदिल हुसैन, ठीक है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई, ठीक है, सैफी किदवई। और लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स रसीद ले रहे हैं, रसीद किदवई, ओके। प्रयास पूरा है कि आपको याद हो जाए, है ना, सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, प्रोफेसर सैफी किदवई। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोरी, रजनीश कुमार, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोरी, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ना, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड लिखते रहते हैं, अभी एक किताब यहाँ पे दी कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये सलमान खुर्शीद जी ने लिखा है, सनराइज सनराइज सलमान खुर्शीद, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। 400 डेज चेतन भगत लिखते रहते हैं, कभी हाफ गर्लफ्रेंड लिखते हैं तो कभी 400 डेज लिखते हैं। द इंडिया स्टोरी, बिमल जालान जी एसबीआई के आरबीआई के गवर्नर थे ना, बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी महत्वपूर्ण किताब है बिमल जालान जी की। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फांस ने लिखी है। नो योर राइट्स एंड क्लेम डेम अ गाइड फॉर यूथ, एंजेलिना जोली हैं, हॉलीवुड अभिनेत्री बड़ी फेमस हैं। नो योर राइट्स
एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। ठीक है, यूथ को गाइड कर रही हैं एंजेलिना जोली। ठीक है, यूथ इनकी बातें सुन भी रहे हैं। ओके, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत न्यूज में रहते हैं, ह्यूमन राइट की बातें करते हैं और बहुत तगड़े हैं जवाब देने में। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, बहुत लंबा गेम है, चाइना वाले किस प्रकार से बातचीत करते हैं। विदेश सचिव विजय गोखले, विजय होगी जब चाइना को हरा देंगे तो चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ठीक है, तो विजय गोखले पूर्व विदेश सचिव थे। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, निरुपमा राव, निरुपमा राव। ओके, हो गई सभी किताबें महत्वपूर्ण हो गई। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, निरुपमा राव, द सॉन्ग, अब रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा हमने आपको ट्रिक ही बता दी। ठीक है, और अब सुबह से आज बोलते बोलते और ठीक है, अब देख लीजिए जो भी जितना प्रयास करना था हमने कर दिया अपने तरीके से। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से तो ज़रूर करके सही करके आइएगा। और जो चीज़ें थोड़ा बहुत घटनासार में बची हैं, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर क्विज होंगे आपके लिए, क्विज होंगे जो चीज़ें बची हैं उससे क्विज होंगे, महत्वपूर्ण क्विज होंगे। ये आपका थोड़ा सा अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको जो है कि क्विज को करिए और जो क्विज में क्वेश्चन हैं उस टॉपिक को टिक करिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, उस टॉपिक को जाइए टिक करिए बेहतर तरीके से, खुद से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। मुश्किल से 3% बचा होगा घटनासार का जो हमने छोड़ा है, बाकी सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। जितना भी महत्वपूर्ण था, जितना भी हमारे अनुभव के आधार पर पूरा महत्वपूर्ण था, सब हमने आपको यहाँ पर सामने रख दिया। घटना चक्र भी हो गया, घटनासार भी हो गया और घटनासार पहले भी हो चुका है। अब अगला लेक्चर संभवतः होगा दिवस का लेक्चर, और हमने पहले भी बताया था कि 45 डेज जो स्ट्रेटजी थी वो कंप्लीट करने के लिए हमें अभी पॉलिटी के कुछ चीज़ें, तो पॉलिटी अब हो तो नहीं पाएगा लेकिन हमारा प्रयास है कि कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे पॉलिटी के हम उठाएं घटनाचक्र से जो बहुत महत्वपूर्ण हों, उसको आपके सामने रखें। उसके अलावा पॉलिटी के अलावा इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर मिले हैं, एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का आपको हम देंगे जो लेक्चर की एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और भी जो बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सी सेट तो कंप्लीट ही करेंगे, PYQD। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।